हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। तो पिलाने ऑलरेडी हम माने ग्रेविटेशन रो सब कुछ पढ़ी सरचे न्यूटन्स लॉ पढ़िले ता पूर्व लेक्चर हम पढ़िले जे वेरिएशन केमते होचे एक्सेलरेशन ड्यू टू डी ग्रेविटी केमते वेरिएशन होचे ऊपर को जाउथिले हाइट को गला बेलको तार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होतला। बर्तमान देखिबा कोन ना तल को गले कौन हो तो लॉन्ग क्वेश्चन हम कहते हैं हाफ माने 3.5 मार्क्स रो। तो नेक्स्ट आप आज पढ़ा तो नेक्स्ट आइटम दियो वेरिएशन ऑफ जी विथ द डेप्थ विथ डेप्थ। तो डेप्थ माने तल को पृथ्वी पृष्ठ तल को जीवा तो तल को गले कौन हो देखा ऊपर गले कम हो ऑलरेडी जान ल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हाफ इंपोर्टेंट मतलब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखा तो सपोज ये अर्थ सरफेस दिस इज द अर्थ सरफेस हलानी कि गोल गोल हलानी गोल कर नबो गोल तुम जहाँ तरह बड़े बड़े गोल हो कर नबो हम द्वारा जिनते ना कले अर्थ सरफेस। तो आम किसी डेप्थ को जाए सपोज यू आर मूविंग टू ए डेप्थ दिस मच डेप्थ एतिकी डेप्थ है जो डेप्थ रो हला सपोज डी केते डेप्थ जाय छ डी और रेडियस केते आर सरफेस रो रेडियस केते हो छ सपोज आर कैपिटल आर एडा ला आर सरफेस रो रेडियस ला आर हमें शॉर्ट टर्म डेप्थ डी को जाय छ। तो ए पॉइंट रे हमरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते हो छ हमें वेरिएशन देखिबा। तो सपोज बतान हमें कोन करबा मास बाहर कर मास रो वेरिएशन आसीगला। तो मास को प्रथम कैलकुलेशन करो हाउ मच मास इज दिस मच। तो सेटा कैलकुलेशन करिया पहिले हमको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखिया पड़िबो कौन लिखिया पड़िबो डेंसिटी काई आमे ऊपर को जाउथिले तो टोटल मास को सेंटर ऑफ मास रे कंसंट्रेट हे कि नै जाउथिले किंतु जे आत्र भीतर को जाउछ ताले ऊपर मास टा हमरो यूनिट करब छडे पड़िबो ना। तो सेति पई केते मोमेंट रो मास अछि वी नीड टू कैलकुलेट। तो to calculate that one the very first thing means that first calculate the acceleration due to gravity on the surface suppose ye surface re kete acceleration due to gravity achi pratham dekhiba to lekho acceleration due to gravity saman way process karibo acceleration due to gravity ra pra mane pra re tini mark ro question hi pachade gravity at the surface of earth surface of earth is given by small g equals to gm by r square eta thila amar formula to m hocchi mass of earth r hela radius of earth to ame jo mass of earth otar mass of earth ta calculation kariba to ame dekhiba mass of earth is given by m equals to mane pakao density into volume kaina density equals to mass by volume to mass equals to density into volume kaina density ta constant hai gote quantity eta la density constant rahe to density mass equals to density into volume। तो डेंसिटी है ना रो वॉल्यूम है ना भी तो मास इक्वल्स टू रो इनटू भी तो वॉल्यूम रो वैल्यू है जो 4/3 पाई आर क्यू बेटा मैं तेरे लिखी बात दिस विल बी 4/3 पाई आर क्यू इनटू रो 4/3 पाई आर क्यू इनटू रो। तो ये टाइम रो वैल्यू नहीं चेंज पुट कर लियो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो यार वैल्यू ने के इक्वेशन में पुट करो कहर वैल्यू एम रो वैल्यू तो जीरो वैल्यू उठा ऐसे जीबो लेकिन यो बहुत सहज प्लान कर जा रहा लेकिन स्क्रीन को पॉज कर की बता ना कौन करेगा जीरो वैल्यू ने एम रो वैल्यू ने के इक्वेशन में पुट करेगा। तो इक्वेशन में पुट करके तो उसने कहा जी इक्वल्स टू इक्वेशन 1 बिकम्स नेक्स्ट वर्ड इक्वेशन 1 बिकम्स स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम जाए लिखो 4/3 पाई आर क्यू इनटू रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर
तो देखो आर क्यू आर स्क्वायर कटि जीव आसो 4/3 बाय जी आर रो तो डायरेक्ट लेखो जे आंसर केते आसीबो 4/3 पाई जी आर इनटू रो एतिक आसला मोर कोन ना स्मॉल जीरो वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ रे स्मॉल जीरो वैल्यू एतिक आसला बर्तमान आम सर्ट अन डेथ को जाए तो सर्ट अन डेथ को जाए मानते केवल आर जगह रिप्लेस कर आर माइनस डी तो बर्तमान ये लिखा कैलकुलेशन कर बर्तमान लिख द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी देख द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी एट ए डेथ डी एट ए डेथ डी Depth d is given by depth d रे केते आसीबो ना g d आपण लिखिबा g d equals to 4/3 pi g समान होय कैलकुलेशन बने r जाय खाली रिप्लेस होबा r minus d तो r minus d into rho equation 2 आई थिंक इक्वेशन 2 और ना इक्वेशन 3 दे दो इक्वेशन 3 एडा इक्वेशन 2 दे दो दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3 तो बक्का नामे कोन करबा कंपेयर करबा जी सरफेस को और जी डेप्थ सहित तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2 इक्वल्स डिवाइडिंग नीचे लिखा पिला ने बहुत पिला छ लिखुनो निजे लिख डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2 इट कैन बी आस्क एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तो समस्त लिखिबा पई चेष्टा करो सो डिवाइडिंग जी डी और इक्वेशन 3 बाय 2 तो जी डी बाय जी इक्वल्स टू ए या को या से डिवाइड करो तो 4/3 4/3 कटि जीवो पाई पाई कटि जीवो जी जी कटि जीवो तो लिखी दूसरी 4/3 पाए जी आर माइनस डी इनटू रो डिवाइडेड बाय 4/3 पाए जी आर इनटू रो तो 4/3 4/3 पाए जी कटि जीव रो रो भी कटि जीव फाइनली जो आंसर टा आसीबो केते हबो ना जी डी बाय जी छोटो छोटो कर लिखिबा जी डी बाय जी इक्वल्स टू आर माइनस बी बाय आर दिस इज इक्वल्स टू आर को आर से डिवाइड करने 1 माइनस बी बाय आर तो जी डी इक्वल्स टू जी डेप्थ इक्वल्स टू जी इनटू 1 माइनस बी बाय आर दिस इज द फार्मूला तो एठी देखियो बता नो इंक्रीज होछ ना डिक्रीज होछ देखो एडा पर नेसो माइनस कर दियो तो gd माइनस g इक्वल्स टू gd बाय r हो तो माइनस साइन टा आसीबो तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो तो नीचे कर दियो नेक्स्ट स्टेप टा स्टेप उठा नीचे कर दियो नेक्स्ट स्टेप टा मेरा ये लिख लो छी बहुत सॉल्व लेने डेरिवेशन बहुत सहज हो करे पय चेष्टा करो नीचे तो एडा देखो gd माइनस g इक्वल्स टू माइनस g d by r तो एटा कोन पिला ने g डेप्थ माइनस g एटी माइनस साइन आसला ने तो ऑब्वियसली एटा कोन अछि कम अछि एटा अधिक अछि बडे बडे संख्या छोटे संख्या रो बडे बडे संख्या पिले माइनस आइस तो देयरफॉर यू कैन राइट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ तो तल को तल जिते जीव से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी कमी तो देयरफॉर सिंबल दे समस्त लिख लियो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ डेप्थ टा बढ़िबा सहित एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी रो वैल्यू कोन हुए डिक्रीज हुए बुझेला तापर नेक्स्ट हम देखिबा रिलेशन बिटवीन जी डेप्थ एंड जी हाइट जी डेप्थ और जी हाइट से तो कौन रिलेशन अछि तो मने पका जी डेप्थ केते आसला जी इनटू 1 माइनस डी बाय आर तो इट लिख दियो रिलेशन बिटवीन का रूप रे
relation between g depth and g height. g depth और g height भीतर है कौन relation अच्छी? तो कौन g depth by g height को divide करने हो? तो g height equals कितना आते हैं मैंने पकाओ g into 1 minus 2h pi r. Senti g d कितना आते हैं? g into 1 minus d by r. तो चलिए divide कर दोगा g h divided by g depth इक्वल्स बहुत जरूरी रिलेशन डेटा को डिवाइड कर देने से बहुत 1 माइनस 2h बाय r डिवाइडेड बाय 1 माइनस d बाय r तो जब तुम्हें कौन करिबो r कॉमन आ डिवाइड आइबो r माइनस 2h डिवाइडेड बाय r माइनस d तो एटा हम पहले एटा लिख परिबा r माइनस 2h डिवाइडेड बाय d 1 r माइनस b एतिक मन रखि थाओ बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन अवेलेबिलिटी क्वेश्चन आसे ना केते बेर दिटा तो इक्वल हो माने ऊपर को जति के ऊपर को जाउ छ जति के जीरो वैल्यू आसु छि केते तळ को होले सेति के जीरो वैल्यू सेति के आसीबो ता माने g डेप्थ आ g हाइट इक्वल आवर अछि त को समय इक्वल आबो तार वैल्यू बाहर कर तो आमे दिटा को इक्वल कर दबा तेटा नोट करके लिखी था पिला ने नोट करके लिखी था नोट करके लिखी था g h इक्वल्स टू g डेप्थ केते बेर हबो ना ए दिटा इक्वेशन इक्वल होवर अछि तो g डेप्थ g हाइट रे मिलेला g इनटू 1 माइनस 2h बाय r शुड बी इक्वल्स टू g इनटू 1 माइनस dr तो जी जी कैंसिल हो गए बोथ साइड में कितने आ गए बेटा 2h by r should be equals to d by r तो फाइनली d equals to 2h ये तीन मन रख दो बहुत इंपोर्टेंट स्टार मार्क कर के रखो जी एंट्रेंस रे पचारी हो कि मैं परीक्षा रे भी क्वेश्चन आसी हो ना दुई गुना हाइट जाओ माने ऊपर को जदी 20 किलोमीटर जाओ छ तळ को केते गले सेति के जी आसीबो ऊपर को 20 किलोमीटर हाइट जाउछ तो तळे केते जीवो 40 किलोमीटर तळ को जीवो ताहाले तमरो जीरो वैल्यू समान होबो कारण जदे हम पृथ्वी सरफेस रो ऊपर को 20 किलोमीटर जाउछ हाइट को 20 किलोमीटर नेलो ता माने डेप्थ केते जीवार अछि 2 टाइम्स जीवार अछि 40 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर गले ही सेति की जी आसीबो तळ को गले तो बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन इंटरेस्टिंग मध्य आ मध्य त एही क्वेश्चन कोन पचाइ दे वेट रो वेरिएशन केते आसे तो वेट पै जस्ट खाली मल्टीप्लाई कर देबो m m सहित जी को मल्टीप्लाई करला हमरा कोन मिल जाए वेट मिल जाए तो एडा थिला ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ जी ऑन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट मदे जाके लिखा दरकार नहीं तमरो या पूर्व जो लिखि थिलो से जाके लिखिबो तो आउ के हम क्वेश्चन गो दिटा करबा ता परे तमरो नेक्स्ट लेक्चर को हमें दिबा तो समस्त क्वेश्चन गोटे करबा पै चेष्टा करो सिंपल क्वेश्चन गोटे दउची करिया पै लेखो क्वेश्चन का समस्त लेखो बहुत सहज क्वेश्चन पिला माने एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस क्वेश्चन का लिखिनो पिला माने एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी क्वेश्चन का समस्त लेखो द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ Earth surface is half of its value on Earth surface. Is half of its value on Earth surface. तो तुम्हारे क्वेश्चन दिया गया था हमें पॉज करके नीचे करो सॉल्यूशन बाहर करें और देखो तुमको क्वेश्चन दिया गया g h equals to g by 2 सरफेस रे जहां भी आसुची केते हाइट को गले तार वैल्यू g by 2 हब आधा हे जीवो इट सपोज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अछि सरफेस रे तो केते ऊपर को गले तार आधा हे जीवो वैल्यू तो तमन कैलकुलेशन करिवो बहुत सहज g h रो फार्मूला जानछो g हाइट रो फार्मूला मने बकाओ एटी को फार्मूला टा यूज करिवो तमने दीटा फार्मूला जानछो को फार्मूला टा यूज करि मने बकाओ एटी पिलान तमने यूज करिवो
जी एच इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच रो होल स्क्वायर ए फॉर्मूला टाइम्स करबो जी एच बाय जी आ केते बेले तमे जो कह वाला जी एच इक्वल्स टू जी इनटू 1 माइनस 2h बाय आर केते बेले फॉर्मूला टाइम्स करबो जते बेले एच इज मच स्मॉलर देन आर ए जिनसो डा गला माइंड सेट करती क्वेश्चन सॉल्व करले आंसर आसीबो नले वो एठी ए फॉर्मूला ला कन्फ्यूज हे करबनी आउ थरे मन रखो नले खाता रे लिखि रखो जगह रे हमें ए फॉर्मूला का केते बेले यूज करबा जते बेले हाइट ता मच स्मॉलर देन आर थिबो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर वाले भी कुछ असुविधा नहीं 60 किलोमीटर वाले भी आर ला 6400 तो बहुत कम रहइबो से समय रे फार्मूला यूज करबो काहे ना हमें कंडीशन को अप्लाई करी के फार्मूला रे डिराइव करथले किंतु जनरल फार्मूला होची एटा जी एच बाय जी आर डेरिवेशन को लागे आधार अटकथले इंपोर्टेंट कहि कि बॉक्स करथिन पिला माने तो आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच रो होल स्क्वायर एटा होची इंपोर्टेंट तो वत्ता ना करो जी टाइप एपोर्ट को मल्टीप्लाई कर दियो तो एटा हबो जी एच इक्वल्स टू जी इनटू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच रो होल स्क्वायर तो जी एच से दिया है इसके ते जी बाय टू जी बाय टू जी इनटू आर रेंजो 6400 रॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6400 प्लस एच रॉ स्क्वायर तो जी जी कैंसिल है जी बाप तो मैं कैलकुलेशन करिबो एच रे वैल्यू को बाहर करिबो तो एच कितने ऐसी बैठी हमारे टी फाइनल आंसर बो एच रे वैल्यू 2649.6 किलोमीटर ऐसी आंसर एच को एच रे ऐडा सॉल्व करना है ना सॉल्व करना आंसर आसीबो हला ऐडा समस्त करना है आंसर आसीबो एती ऐडा वाला एक क्वेश्चन बहुत सहज क्वेश्चन करिया पे चेष्टा करिवो तापरे आउडे क्वेश्चन लिखो आउडे क्वेश्चन ऐडा समने कर छलो आउडे क्वेश्चन समस्त लिखो आउडे क्वेश्चन मु दउ छी हां एट व्हाट हाइट समस्त आउडे क्वेश्चन लिखो एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द एडा पॉज करके लिखनो हैला फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी द वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी हैला is reduced by 36% is reduced by 36% from the value of g on earth surface from the value of g on the earth surface बहुत जल्दी भल पिला छ कर दियो सब पॉज करी की याद रहा क्वेश्चन होनी से पकाल उठो अंधार उठो दोन रूप गैस भी काटी नहीं कि भगवान को पूजा करो किसी पूजित दे करिबो किंतु मो हिसाब रे ओनली वन सॉल्यूशन प्रैक्टिस करो बारंबार अगेन एंड अगेन होन चदी 500 टा क्वेश्चन करो निजे सेल्फ स्टडी करो ऑटोमेटिक होबो कोनोसी जिंस नाही होबनी बोली खाली रे डिपेंड करछि तुम माने करो चिंताधारा उपरे समस्त कोहती हार्ड वर्क ब्रिंग्स यू सक्सेस बट के दोन हार्ड वर्क करंती जो माने करते से मान को लोक जानंती एटा मन रखि दओ तो नेक्स्ट है ला में देखिबा तुम दिया है जी जीरो वैल्यू कोन हे जाउ छी रिड्यूस हे जाउ छी केते है जी एच इक्वल्स टू रिड्यूस्ड बाय केते 36% ऑफ जी एट सरफेस एटा क्वेश्चन है जेमे न छी केते हाइट को बोले जी रो वैल्यू 36 रिड्यूस हो जाउ छी रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू भीतर डिफरेंस पिला ने अनथो रिड्यूस्ड टू माने डायरेक्ट 36% तो रिड्यूस्ड बाय माने माइनस करबो तो प्रथम जदी 100 किला तो सेतरो 36 माइनस करबो 64 हे जाउ छी बतान कि जदी एटा रिड्यूस्ड टू एटा रिड्यूस्ड बाय वाले की लिखा जांदा टू लिखा जांदा ताले डायरेक्ट लिखता 36%
तो जेत रिड्यूस्ड बाय डेजी ता माने केतो 64% हे आउछ तो हमर जी एच एस रो केते 64% ऑफ जी दैट इज 64 जी बाय 100 एटा काही के 64 हला रिड्यूस्ड बाय देथला जदी रिड्यूस्ड 2 देखांता ताले डायरेक्ट लिखी तांतो 36 जी बाय 100 मुझे ना तो वक्ता ने जीएच रो फॉर्मूला बताओ आराम से कह दीबो जीएच इक्वल्स टू कितने असला जीएच इक्वल्स कितने वाला जीएच इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 100 इनटू जी इक्वल्स टू जीएच रो फॉर्मूला जानते हो टीचर रूट रूप है वाला आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच रो होल स्क्वायर तो ये 64 एडा कैलकुलेशन कर नो बहुत सॉल्व था एटी एटी वाले खाली जी टेरो ही पड़ती तो जी टी कैंसिल है जीवो तो 64 बाय 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच तो एक बार रूट ओवर नहीं जाओ 8 बाय कितने जीवो 200 8 बाय 200 इक्वल्स टू आर बाय आर प्लस एच सॉल्व कर नो बो एटी एच रो वैल्यू कितना है मैं डायरेक्ट लिख दूं जी 1600 किलोमीटर एच इक्वल्स टू 1600 किलोमीटर एति की लिखियो ना आंसर आसीओ 1600 किलोमीटर बहुत सॉर्ट क्वेश्चन पिला माने करिया पई चेष्टा करियो एथरे किछि डिफरेंस नै माने बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा होची चाहिले भी करि परियो सेइ भले आ गोटे क्वेश्चन लेखो एट व्हाट हाइट आ गोटे क्वेश्चन लेखो एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट व्हाट हाइट From the earth surface, the value of g, the value of g is same as the value of g at a depth of 80 kilometer. The value of g at a depth of 80 kilometer from the surface. परिपक्व जल्दी स्क्रीन को पॉज करके फटाफट करो। यंग अच्छा जल्दी सब दिन छो। फटाफट। ले फटाफट दे फटाफट। जल्दी करो। तो दिया है कि तुमको डेप्थ दिया है लगे थे 80 किलोमीटर बदे हो 80 किलोमीटर बस ये कौन सी कितने हाइट रे से की जी रहन बो 80 किलोमीटर डेप्थ रे जति की जी अछि तो कितने ऊपर है पृथ्वी सरफेस रा कितने ऊपर बने से की जी रहबो तो तमे जान छ d इक्वल्स टू 2h तो 80 इक्वल्स टू 2h तो h इक्वल्स टू 80 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर ऊपर को गले जति की जी आसीबो तळ 80 किलोमीटर तळ को गले मध्य सेति की जी आसीबो बहुत सॉर्ट क्वेश्चन समस्त करिमो आउडे क्वेश्चन लिखि दियो तापर हमें नेक्स्ट लेक्चर को जीवा हाउ मच बिलो क्वेश्चन लिखो हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ How much below from the surface of Earth the acceleration due to gravity or small g लिख पेरो The acceleration due to gravity small g The acceleration due to gravity small g becomes 1% of its value on the Earth surface becomes 1% of its value on the surface becomes 1% of its value on earth surface r value kete nabo 1600 kilometer to tumko diya hai ki screen ko pause karibo question da padha dekho aa etu copy kari ke likho tho lekhi thao kichu asubidha nahi g depth equals to 1% of g सरफेस रे दिया है तो एटा हेगो g बाय 100 तो इक्वल्स टू फार्मूला माने बताओ
जी हमर सर जी 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 सरफेस रो फार्मूला जी इनटू 1 माइनस डी बाय आर तो जी डी रे वैल्यू देहे छी जी बाय 100 इक्वल टू जी इनटू 1 माइनस डी बाय आर माने जे डी जी कैंसिल होइ जबो 1 बाय 100 इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर तो हमर आकार रे वैल्यू दरकार डी रे वैल्यू दरकार आर जान छ 6400 किलोमीटर तार आंसर हबो D equals to Shiva on it have a 99 by 100 into 6000 it has your 6336 the answer with it your x D equals to 6336 kilometer GG cancel it out it have a 1 by 100 1 in minus D by R that I put minus for the bar that is your 99 by 100 equals to इधर सॉल्व कर देना सीखो 99 by 100 equals to d by r so d equals to 99 by 100 into r r हमें लगा 6400 किलोमीटर कैलकुलेशन करने बहुत बहुत सॉल्व है आज रे लेक्चर बैठ रखी बा आशा करो ची समझतीं को बहुत लगी बा आप कितने वाले बहुत लगी हो जितने पाठ्य नीचे पढ़ी बा नेक्स्ट ईयर रे माने सेकंड ईयर व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर बोर्ड एग्जाम ए सब क्वेश्चन अछि बट देयर इन प्लेस ऑफ मास यू विल गेट चार्ज इन प्लेस ऑफ ग्रेविटेशन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ता विषय रे डिटेल्स रे डिस्कशन करबा तो थैंक यू ऑल